अनुजी, 1 फरवरी बहुत ही अब पास में है। 1 फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है। एग कमोडिटी मार्केट में क्या हलचल हो रही है, कमोडिटी मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट को लेकर? देखिए, एक एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉस्टिंग है फ्यूचर्स मार्केट में सीटीटी को लेकर उसको हटाया जाए, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ आ सकता है। दूसरा कि जो कमोडिटी बैन हुई है सरकार उसमें भी कदम ले सकती है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है। हमने अगर हम देखें तो काफी इंडस्ट्रीज ने बोला है कि फ्यूचर्स मार्केट होना चाहिए, तो जो जो कमोडिटी बैन हुई है वो दोबारा से रीलॉन्च होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए नई कमोडिटी और लॉन्च होती हुई दिखाई दें, और फ्यूचर्स मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है या एफपीआई हिस्सा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उनको लेकर यहाँ पे कुछ डिसीजन आ सकते हैं, जो कि कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। तो कॉस्टिंग पार्ट पे मेन फोकस रहेगा। दूसरा फोकस हमें लगता है कि जो एफपीआई का जो इन्विटेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए, एफपीआई यहाँ पर इन्वाइट हो कमोडिटी मार्केट में, उनको लेकर कुछ सलाह हो सकती है, और कमोडिटी मार्केट में जो कमोडिटी बैन हुई है उनको दोबारा से रिलॉन्च करने का डिस्कशन हो सकता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बजट में ये सब काम हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।